मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बच्चे की मौत छिपाने के लिए उसी की मां ने अपहरण की साजिश रच डाली, मगर कानून के हाथों से बच्चे की मां बच नहीं पाई और सलाखों के पीछे पहुंच गई। ये सनसनीखेज मामला थाने के कलवा इलाके के महात्मा फूले नगर का है, जहां 5 महीने के बच्चे श्रीकांत चौहान की लाश पानी से भरे ड्रम से पुलिस ने बरामद किया है। हत्या का आरोप किसी और पे नहीं बल्कि बच्चे की मां शांताबाई चौहान पर लगा है। कलवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 24 दिसंबर शुक्रवार को बच्चे की मां शांताबाई चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 5 महीने बेटे श्रीकांत चौहान का अपहरण हो गया है। मामला 5 महीने के बच्चे के अपहरण से जुड़ा हुआ था, इसलिए कलवा पुलिस ने तत्काल टीम गठित की और जाँच शुरू कर दी। और 25 दिसंबर शनिवार की सुबह में घर के बाहर रखे पानी से भरे ड्रम में बच्चे की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की। बच्चे की मां शांताबाई से पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने बताया कि बच्चा बीमार रहता था जिसका दवा हो रहा था, मगर इस बच्चे की मां ने 24 दिसंबर को बच्चे को दवा की ओवरडोज दे दी और ये बच्चा बेसुध हो गया। और बच्चे की हालत देखकर उसकी मां शांताबाई चौहान घबरा गई और खुद को बचाने के लिए बच्चे को पानी से भरे ड्रम में डाल दिया और अपहरण की साजिश रच डाली। मगर अब इस मासूम बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने उस बच्चे की मां शांताबाई चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। और आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP अंबुरे ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। दिनांक 24 दिसंबर को शांताबाई चौहान नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन में आई थी और उन्होंने उनका 5 महीने का बच्चा मिसिंग है ये कह के हमारे पुलिस स्टेशन में आई थी। उसके तहत हमने 480/21 CR के हिसाब से किडनैपिंग 363 IPC के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि दूसरे दिन सुबह 7 बजे वहाँ के एक प्लास्टिक ड्रम में वो एरिया के सोसाइटी जो वहाँ पे जो रहते हैं वो एरिया के वहीं पे एक प्लास्टिक ड्रम में पानी में भरे हुए प्लास्टिक ड्रम में वो जो बच्चा था उसकी बॉडी हमें मिली। हॉस्पिटल में बताया गया कि वो ऑलरेडी वहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में फिर हमने वहाँ के जो एरिया के जो लोकल लोग हैं जो वहाँ के उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबको इंट्रोगेशन करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि जो फिरियादी महिला है उसी ने ही ये सब इसको अंजाम दिया है। जो बच्चा था वो कुछ दिनों से बीमार था, उसको खांसी और वॉमिटिंग की उसको थोड़ी सी बीमारी हो रही थी, तो उसके तहत उसने ओवर डोसेज ऑफ जो कफ सिरप है उसको देने के बाद में फिर उसको छुपा के उसको पानी में जो पानी की टंकी थी उसमें ड्रम था उसमें उसने उसको डाल दिया। ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चल गया है। इसीलिए हमने उस सदर महिला को हमने कल ही उसको गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर हमने ये जो इम्पॉर्टेंट केस था इसको डिटेक्ट किया है। डिटेक्शन के इसमें हमारे सीनियर PI अवार्ड, PI आजगावकर, PI कुंवर, API गोटे, API दिनकर, PSA बगदानी और उनके स्टाफ ने बहुत ही 24 तास उन्होंने पूरा इसमें लगे रह के ये डिटेक्शन को अंजाम दिया। महिला का उद्देश्य क्या था कि वो अपने बच्चे को इस तरह से मार करके डाला? अभी कल ही हमने इस गुत्थी को सुलझा दिया है। अभी आगे इंट्रोगेशन में उनका PC लेंगे हम, जो महिला है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें क्यों हुआ था, क्या किया था, क्या मकसद था और ये सब चीज़ों की तफ्तीश हम लोग ज़रूर उसमें करेंगे।